कोलकाता में एक ऐसा वायरस आया जिसने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी। एक ऐसा वायरस जिससे पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो गई और पिछले दिनों बहुत सारे बच्चे इस बीमारी का शिकार हो गए। एडोनो वायरस, जिसे डबल डीएनए वाला वायरस भी बोला जाता है। इतना ही नहीं, ये 50 प्रकार के होते हैं और इंसानों में संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। ये वायरस सतहों पर पाया जाता है, जैसे स्विमिंग पूल और छोटी झीलों का पानी, और इस वायरस से सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी होती है और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षणों को भी ये ट्रिगर कर सकता है। वहीं गंदे हाथों से ये इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है और इस वायरस को अपने बच्चों तक ना फैलने देने के लिए पेरेंट्स को हाथों की साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। काउंटर टॉप्स और खिलौनों को अच्छे से साफ रखें। लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।